हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का, जो पर्सनल चेंजिंग है, सॉरी जो कॉमन रूल्स हैं, कॉमन रूल्स में जो तीसरा पॉइंट आपका है टेंस चेंजिंग, उसके बारे में। तो जैसा कि आपने यहाँ पर पर्सनल चेंजिंग, वर्ड्स चेंजिंग दो नियम पढ़ लिया है, और जो तीसरा नियम आपका टेंस चेंजिंग है, आज इसी के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो आप इसे समझिए, इससे पहले कुछ पॉइंट्स इसमें हमने बनाए हैं, नोट हैं, आप यहां जरा देखिए। जैसे इसमें पहला पॉइंट आपका है, इसमें लिखा है कि टेंस परिवर्तन की निम्न दो विधियां हैं। अगर आप टेंस बदल रहे हैं तो टेंस परिवर्तन की दो विधियां हैं। पहला विधि है सहायक क्रिया बदलकर, और दूसरा विधि है टेंस बदलकर। तो इसमें मैंने आपको पहला, यहाँ 01 आप कह सकते हैं कि 01 यानी कि पहला विधि हमने यहाँ देखे टेंस चेंजिंग का, सहायक क्रिया बदलकर कैसे इसको लिखा जाएगा, किस तरीके से बदलाव होते हैं, तो पहला विधि मैं आपको यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा विधि है टेंस बदलकर, अब चूंकि जगह जो है कम है, जगह के अभाव के कारण दोनों संभव नहीं हो सका एक साथ लिख सके, इसलिए इसके बाद हम आपको टेंस बदलकर ये दूसरी विधि भी समझाएंगे। तो पहले आइए देखते हैं 01 को कैसे। अब जैसे उदाहरण दिया कि सोहन सेड टू मी, राम इज राइटिंग ए बुक, ये लिखा है। मान लीजिए क्वेश्चन, इसमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमको ये देखना है। यहाँ देखिए दो कैटेगरी है, इसमें दो कैटेगरी में एक साइड में लिखा है डू डज, इज एम आर, हैज हैव, बीन, हैज बीन, हैव बीन, डिड लिखा है, वाज वर लिखे हैं, विल शैल कैन में। तो अगर ये सहायक क्रियाएं आ रही हैं, तो आप इनको क्रमशः इस दूसरे वाले सहायक क्रिया में चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए डू डज को आप डिड में बदल देंगे, लेकिन यहाँ एक बात और लिखा, परंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर। कारण यह है कि और जगह तो ये लागू होगा कि डू डज अगर आ रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसमें डिड बदल देंगे, परंतु जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नियम कुछ और लगने लगता है, इसलिए वहां ये नियम लागू नहीं होगा। केवल यही एक अपवाद इसमें है, समझ लीजिए। तो ये जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहां हम आपको इसके बारे में डिटेल समझा देंगे। इसी प्रकार अगर इज एम आर दिखाई दे तो आप इनको सीधे वाज वर्ब में बदल दीजिए। फिर तीसरा है हैज हैव दिखाई देते हैं तो हैड बदल दीजिए। हैज हैव बीन है, हैज बीन, हैव बीन है, तो आप हैड बीन में। डिड आया है तो इसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। वाज वर आने पर हैड बीन हो जाएगा। विल शैल आने पर वुड शुड हो जाएगा। कैन कुड आने पर कुड, सॉरी कैन में आने पर कुड माइट हो जाएगा। इस तरीके से इन लोगों को तो आप इसमें बदल देंगे। दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब जैसे मान लीजिए आपका वुड आ गया, शुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, निडंट आ गया, अगर ये लोग आते हैं तो इसमें नो चेंज। यह भी आपको ध्यान देना है, केवल ऐसे ही सहायक क्रियाएं जिनको आप इसमें बदलाव नहीं करेंगे। अब इधर अगर देखा जाए तो इधर बाएं साइड वाले सहायक क्रियाओं को दाहिने साइड में बदल दिया जाता है, और दाहिने साइड में कुछ क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, जैसे कि हमने लिख दिया है, तो इन सहायक क्रियाओं को अगर आते हैं तो आप इनको वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो आइए अब देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। अगर हम पहले उदाहरण में देखें कि राम इज राइटिंग ए बुक लिखा है, तो यहाँ इज आया है, तो आप जानते हैं कि इज एम आर अगर आते हैं तो वाज वर्ब में बदल दिया जाए, तो इज के स्थान पर देखिए वाज हो गया। इसी प्रकार यहाँ हैज आया है तो हैज के स्थान पर हैड कर देना है, क्योंकि हैज हैव आने पर हैड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप अगर देखिए तो ये पास्ट का इंडिफिनिट है, यहाँ देखिए डाइट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको आप जब बदलते हैं पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में, कहने का मतलब पास्ट के इंडिफिनिट में अगर आपको मालूम हो तो सहायक क्रिया डिड लगता है, और यदि सहायक क्रिया डिड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, और ये आपका सीधे सीधे बदल दिया गया। यानी इसमें सहायक क्रिया डिड दिखाई नहीं जा रहा, क्योंकि पास्ट के इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म आते हैं, अगर ये निगेटिव होता तो डिड नॉट आता, और उनकी फर्स्ट फॉर्म आता तो डिड आता, तो हैड ऑटोमेटिकली हो जाता, इसलिए डिड का हैड हो जाएगा। अब आइए उदाहरण नंबर चार में देखिए, आई सेल लिखा हुआ है, तो कह रहा कि सेल और विल आने पर आप क्या करेंगे, विल अथवा सेल आने पर वुड और शुड में, यानी कि विल को वुड में, सेल को शुड में, तो नियमतः सेल को शुड बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए वुड लिखा गया है। ऐसा क्यों हो गया है, कारण यह कि जब आई को आप बदल रहे हैं तो आई बदल रहा है इस आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ ही आया है, तो ही आने पर निश्चित बात है कि आई के साथ अगर सैल है तो ही के साथ यहाँ विल हो जाएगा,
और जब विल हो जाएगा तो विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा, इसी कारण से यहाँ पर वुड लगाया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है टेंस परिवर्तन, यानी कि टेंस चेंजिंग जो समय परिवर्तन है। पहला पहला विधि है सहायक क्रिया को बदल करके, जो बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। अगर ये आपको ये सहायक क्रिया कहीं भी दिखाई दें तो इनको सीधे आप इसमें बदल देंगे दूसरे वाले कॉलम में, जैसा कि इसमें दिखाया गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये पहला नियम हो गया। अब आप आइए देखिए दूसरा नियम। तो आइए देखिए, अब आप जो है नंबर दो देखिए, टेंस बदल कर, टेंस बदल करके हम कैसे इसको बदल सकते हैं। तो दो विधि था, जैसे कि पहला आपने देखा सहायक क्रिया बदलकर, जो पिछला चार्ट था। अब इस चार्ट में नंबर दो है टेंस चेंजिंग में, टेंस बदलकर। अब बात क्या है ये जरा समझिए, थोड़ा सा आसान है। जैसे प्रेजेंट टेंस के चारों भाग, जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और पीसी है, इन चारों ही भागों को क्रमशः ग्रेजुअली आप पास्ट टेंस के इनडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और पीसी में बदल देंगे। कहने का मतलब, अगर प्रेजेंट का इनडेफिनिट है तो ये पास्ट के इनडेफिनिट में, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में, परफेक्ट है परफेक्ट में, पीसी है तो पीसी में आपको बदल देना है। दूसरी बात देखिए, अगर पास्ट इनडेफिनिट टेंस आया हो तो पास्ट के इनडेफिनिट को पास्ट टेंस के ही अगले भाग में, यानी कि तीसरे भाग में, पास्ट टेंस के तीसरा यानी परफेक्ट में इसको बदल दिया जाता है। और यदि पास्ट टेंस का कंटीन्यूअस टेंस हो तो पास्ट टेंस के अगले, जो अगला भाग है चौथा भाग, यानी पीसी जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, इसमें बदल दिया जाएगा। अब बात यह बन रहा है कि अगर मान लीजिए परफेक्ट टेंस आ जाए और पीसी आ जाए तो इनको हम क्या करेंगे। वास्तव में इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ये समझ लीजिए थोड़ा सा, यह अगर अंतिम पास्ट टेंस का तीसरा और चौथा खंड आ रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह चीज आप ध्यान देंगे। तीसरे और चौथे में कोई बदलाव नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं उदाहरण। सोहन सेड टू मी, अब देखिए यहाँ आदेश का वाक्य है, लिखा राम इज राइटिंग ए बुक। तो इज राइटिंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है तो पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर प्लस आईएनजी होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी होते हैं। देखिए यहाँ इज राइटिंग है तो वाज राइटिंग, यहाँ हैज कंप्लीटेड है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का आपका परफेक्ट है तो इसको पास्ट के परफेक्ट में बदल देना है, तो हैज कंप्लीटेड का हैड कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो आप इसको बदल देंगे पास्ट के परफेक्ट में। देखिए अगर मान लीजिए पास्ट टेंस का इंडेफिनिट है तो पास्ट टेंस के परफेक्ट में बदलेगा। परफेक्ट में नियम है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाया गया है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ जो सेल आ रहा, मान लीजिए अब सेल का यहाँ उड़ हो गया, तो एक बात और आता है कि जैसे प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को क्रमशः पास्ट के चारों भागों में बदल देंगे, पास्ट टेंस के पहले दो भागों को पास्ट टेंस के ही अगले दो भाग में बदल देंगे, परंतु पास्ट टेंस का तीसरा और चौथे भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपका क्लियर हो गया। अब एक बचता है मान लीजिए फ्यूचर टेंस। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें भी चार तरह के लोग होंगे, यानी कि इनडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। परंतु आप अगर ध्यान दें तो सब में, जैसे पहले में विल और शैल आएगा, दूसरे में सहायक क्रिया आपका विल भी होगा और शैल भी होगा, ऐसे तीसरे में विल हैव होंगे और शैल हैव होंगे, चौथे में विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक चीज इसमें कॉमन है, जैसे मान लीजिए विल और शैल, ये दो चीजें कॉमन है। तो अगर विल आ रहा है तो विल के स्थान पर आपको वुड, और सेल आ रहा तो सेल के स्थान पर शुड बदल देना है। तो इस प्रकार से आपका पहले में वुड शुड हो जाएगा, दूसरे में वुड बी शुड भी हो जाएगा, तीसरे में वुड हैव शुड हैव हो जाएगा, चौथे में वुड हैव बीन शुड हैव बीन हो जाएगा, जो कि पहले चार्ट के अनुसार आप मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुल मिला करके ये दोनों चार्ट को ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं, यानी कि टेंस परिवर्तन को। तो इस आधार पर टेंस परिवर्तन के दो नियम हैं जो मैंने बनाया हुआ है, और इसकी सहायता से आप किसी भी तरह के आर्यस के वाक्य को आप जो है टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो तीसरा पॉइंट था टेंस परिवर्तन, अब ये यहीं पर समाप्त होता है। परंतु इसके बाद भी कुछ पॉइंट और भी आपको समझना जो सबसे ज्यादा अनिवार्य है, जिसको हम नोट के जरिए आपको समझाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे वाक्य जिसमें
आपका ये तीनों ही परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक आपने देखा कि टेंस परिवर्तन होते हैं, वर्ड्स चेंजिंग होता है और टेंस चेंजिंग होता है, तो कुछ ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जिनमें ये तीनों परिवर्तन निष्क्रिय हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ये काम नहीं करते हैं। तो आइए अब उसको देखते हैं कि वे लोग कौन है, क्या कंडीशन है और क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए इसमें आपका कुछ ऐसे एक नोट पॉइंट है जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज हैं जिसमें आपका ये तीनों परिवर्तन काम नहीं करेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यह एक अपवाद जैसा है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब नोट में लिखा है कि यदि आर्यस के वाक्य में कोई ऐतिहासिक घटना, सदा सत्य रहने वाली बात, कोई मुहावरे या कहावतें या किसी की आदतों का जिक्र हो, चार पॉइंट हैं, ऐतिहासिक घटना हो गया, कोई सत्य रहने वाली बात हो गई, कोई मुहावरे या कहावतें आ गए, अथवा किसी की आदत का जिक्र हो, तो ऐसा स्थिति आने पर आर्यस के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ना तो आप जो है सब्जेक्ट चेंजिंग करेंगे यानी कि पर्सनल चेंजिंग, और ना ही तो वर्ड्स चेंजिंग होगा, ना ही तो टेंस चेंजिंग होगा। केवल आपको कंजंक्शन दैट लगा करके बाकी जो क्वेश्चन वैसे उतार देना है। जैसे यहाँ देखिए, इंडिया लिखा है, ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो यहाँ भारत 1947 में आजाद हुआ, तो ये आपका ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना। यहाँ देखिए लिखा है ऐतिहासिक घटना, कहने का मतलब यह है कि ऐतिहासिक घटना यहाँ पर है कि जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो ये वैसे ही उतार दिया गया, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, केवल दैट लगा दिया गया। तो ये आपका जो है इसको ऐतिहासिक घटना, या इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं ज्यादा अच्छा होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स कह सकते हैं या इवेंट कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसी नाते इसमें भी बदलाव नहीं किया गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट वैसे लिख दिया गया, केवल दैट लगाया गया। तीसरा उदाहरण, ही सेड हेल्प अदर्स एंड जंप इन टू द वेल, तो ये आपका एक तरह से इडियम है, इडियम या फ्रेज जिसको कहा जाता है। तो इडियम्स जो होते हैं या मुहावरे या कहावतें आप कह सकते हैं कि दूसरे की मदद करो, और यहाँ लिखा हेल्प अदर्स एंड जंप इनटू द वेल, यानी इसको हिंदी में कहा जाएगा नेकी कर दरिया में डाल, तो यह एक तरह से मुहावरा है। तो इस नाते इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। और चौथा उदाहरण, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, उसने कहा कि कुत्ते रात को कुत्ते अजनबियों को या अजनबियों पर भौंका करते हैं, या जो कुत्ते हैं अपरिचितों को भौंका करते हैं, जो कुत्ते हैं वो जिनको नहीं पहचानते हैं उन पर भूख मारते हैं, तो ये उनकी आदत है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ देखिए डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, केवल दैट लगा करके लिख दिया गया। तो सभी में केवल दैट आपने लगा दिया, बाकी सब वैसे आपने जो क्वेश्चन था वही उतार दिया है। तो ये बात हमेशा आपको चार पॉइंट है जिनको याद रखना चाहिए। तो इसके बावजूद भी अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप एक्सेप्शनल पॉइंट्स कह सकते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको इसमें बताना संभव नहीं है, इसलिए मैंने एक रिव्यू का जो माध्यम बनाया है, तो जो कुछ पॉइंट छूट चुके हैं या छूट गए हैं, इसमें लेफ्ट हो गया है, इसको आप रिव्यू के जरिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।